तो बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, और वो क्या था? वो था ये, कॉस एक्स टू द पावर 3 स्क्वायर रूट 2 साइन 2x, ये थर्ड प्रॉब्लम था। ठीक है, ऑफलाइन था, ऑनलाइन था, जो नंबर ये, बट ये थर्ड प्रॉब्लम था। अब इसमें क्या करना है? वैसे तो ऑप्शन देख के भी क्लियर हो रहा था, बाकी देखते ही टाइप भी क्लियर होना चाहिए, तो जल्दी से जाके 2 मिनट में सॉल्व कर लो। 2 मिनट इज 2 मिनट्स इज मोर देन सफिशियंट फॉर दिस प्रॉब्लम। बहुत ही मीडियोकर, बहुत ही एवरेज प्रॉब्लम है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कर लो 2 मिनट्स में। उसके बाद क्या करना था? टेन एक्स में कन्वर्ट करना था। तो ये क्या है? ये है 2 × 2 sin x × cos x। ठीक है, तो ये होगी डिग्री 2 square root degree 1 of 3 4। ठीक है, तो ऊपर नीचे cos x टू द पावर 4 से डिवाइड करना था तुम्हें। ठीक है, cos x टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे, ये तो क्या हो गया sec x टू द पावर 4, ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट, एक बच गया, अंदर गया स्क्वायर रूट के। ठीक है, अंदर गया स्क्वायर रूट के, तो क्या हो गया, 1 by cos x आ गया, और साइन एक्स तो टेन एक्स, खत्म, सॉल्व हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सबको पता है क्या करना है। ठीक है, टेन एक्स को टी पुट करना है, टी स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, एनीवेज टी कर दिया हमने, राइट। तो ये 1/2 बाहर है, sec स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, sec स्क्वायर एक्स चला गया, एक sec स्क्वायर एक्स बच गया, 1 + t² / √t। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 1 by square root t का इंटीग्रेशन सबको पता है, और ये क्या हो जाएगा, t² - 1/2 3/2। ठीक है, उस प्रॉब्लम में जो करना था हमें, वो कुछ एक्सपोनेंट्स का सम ही पूछा था कुछ। ठीक है, कि टेन एक्स टू द पावर ए आएगा प्लस टेन एक्स टू द पावर बी आएगा टाइप से, और ए प्लस बी की वैल्यू टाइप से हमें बतानी थी। तो आंसर को देख के भी क्लियर हो रहा था कि टेन एक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और बाकी तो हमें देखते ही मैं कॉन्सेप्ट इस टाइप करना ही चाहिए कि ये कौन से टाइप का है, कौन सा टाइप है। ठीक है, जो भी टाइप है उसका मेथड अप्लाई कर दो, यही होता है इंटीग्रेशन में, और कुछ नहीं होता है, बाकी सब पता है। ठीक है, और बाकी डाउट्स करते हैं क्लास में डिस्कस। ठीक है, ओके, चलो ठीक, इतना रखते हैं, बाय।